देख लो शारदा, तुम्हारे कहने पर मैंने महल में एक नहीं दो बार देख लिया, किंतु भास्कर कहीं नहीं मिला। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि महाराज ने मुझे चेतावनी दी थी, यदि उनके भतीजे को कुछ हो गया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे पुत्र की चिंता नहीं है, महाराज की चेतावनी की चिंता बड़ी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भास्कर की भी चिंता है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं है, आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अम्मा सही कहती थी, हमारा पुत्र अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन गंभीर कभी नहीं हो सकता। चुप रहो कोतवाल जी। बच्चे को देखा क्या? हाँ देखा। देखा देखा कहाँ देखा? अरे मेरे घर पे। आप उसे घर लेकर चले गए? वो घर पर ही है तो लेकर क्यों जाना? कोतवाल जी, मेरा पुत्र आपके घर पे कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता पंडित रामकृष्ण, आपका पुत्र मेरे घर पे कैसे हो सकता है? अरे मेरे पुत्र मेरे घर पे है ना, वो भी एक नहीं नो नो वो भी एकदम सुरक्षित अपनी माँ की चित्र छाया में। कोतवाल जी, आप और आपके बच्चे कितने भाग्यशाली है जो घर पर है। अरे भाई मैं तो कहता हूँ शारदा जी, यदि आपके बच्चे का मन न लगे तो दो चार बालक मेरे यहाँ से ले जाइए। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी नन्हे बच्चे को देखा है यहाँ आसपास पालने में? हाँ देखा था। देखा था? देखा था कहाँ? देखा था दो तीन साल पहले देखा था, जब एक दासी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था तो पालने में लेके वो काम पे तो आते थे। कोतवाल जी, दो तीन साल पहले कहाँ पहुँच गए, एक पैर पहले की बात कीजिए ना, एक छोटे से बच्चे को देखा क्या? नहीं देखा। देखो दासी भी अपने बच्चे को नहीं भूलती, पर एक आप है जो पहले दिन अपने पुत्र को कहीं छोड़ा है। मैं तो कहता हूँ पंडित रामकृष्ण, दो चार बच्चों को अगर भूल जाऊँ ना तो रात में आराम से सो सकूंगा। हे भगवान, अगर आपको इतने पसंद थे तो चाहे जितने तरबूज खा लेते, परंतु मेरे पुत्र के स्थान पर इसे लाने की क्या आवश्यकता थी? तरबूज? तरबूज? वो क्या तरबूज था? हे भगवान, अभी भी पुत्र की चिंता शारदा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं तरबूज खरीदने गया था तो भास्कर मेरे पास था और बाद में भास्कर की जगह पे तरबूज था, इसका मतलब है कि भास्कर वहीं रह गया है। चलो फल वाले के पास चलते हैं, अपना तरबूज वापस, अपना पुत्र वापस लेकर आते हैं। चलो चलो चलो। लो दो, लो दो। हे देवी माँ, हमारी इस तपस्या के बदले बस एक ऐसी संतान दे दो जो हमारे स्वामी के समक्ष हमको माता कहकर पुकारे और हमारे स्वामी को लंगोट बदलने का अवसर भी दे। ये भगवान, ये वरुण माला भी कैसी रहस्यमय माला है। अब देखो बैठे बैठे सो गई। धनी मनी, ये छोटे रामा को संभालो, हम हाथ मुंह धोकर तरोताजा होकर आते हैं। अरे गुरुजी, आप ही रख दो ना, फिर तरोताजा हो लेना। गुरुजी, जो भी करना है शीघ्रता से करना, कहीं गुरु माता की तपस्या भंग हो गई तो ऐसी ऐसी मन्नत ना मांग ले आपके लिए। कहीं ऐसी ऐसी मन्नत मांग ली गुरुजी, फिर तो एक नई मुसीबत शुरू हो जाएगी आपके लिए। हाँ होता कि आप भक्तों की प्रार्थना इतनी शीघ्र सुनती हैं, तो ये छोटी सी पूजा तो हम कब का कर चुके होते। कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। ए तथाचारिणी, आप समझ क्या रही हो मुझे? आप मुझे छोड़ो, जाकर देखो कि आपका स्वामी कौन से षड्यंत्र की खिचड़ी पकाने में लगा है। ले लो ताजा ताजा मीठे मीठे फल, ले लो, आइए फल लेके जाइए। उठा लो उठा लो, आप अपनी पसंद का कोई भी फल उठा लो, बस फल आपके पसंद का, दाम हमारी पसंद का। अरे अपना तरबूज, तरबूज ले लो और बच्चा में दे दो। तरबूज लो बच्चा दो, मैं तरबूज के साथ बच्चा नहीं बांटता। केले के साथ छिलके मुफ्त देता हूँ, केले चाहिए तो बोलो। फल वाले, हमें भास्कर चाहिए। अच्छा, तो आप उन्हें जानते हैं? परंतु पिताजी तो काशी गए हैं, उनसे मिलने के लिए आपको काशी जाना पड़ेगा। अरे तुम्हारे पिताजी कहाँ से बीच में आ गए? वो बीच में नहीं आया है, वो अभी भी काशी में है। अभी तो आपने उनका नाम लिया, मेरे पिताजी का, भास्कर राव। मैं अपने पुत्र भास्कर के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो मैं यहाँ फल लेने के लिए आया था और इस तरबूज के चक्कर में अपने छोटे से पुत्र को पालने समेत यहीं पर छोड़कर चला गया, अब याद आया? हाँ हाँ, एक बच्चा तो था यहाँ पर पालने में, लेकिन आप जिधर बता रहे उधर नहीं, इधर था।
ओ इधर उधर छोड़ो, ये बताओ इस समय वो किधर है? किधर है? देखिए न मैं जानता हूँ और न ही जानना चाहता हूँ। मैं फल विक्रेता हूँ, कोई आया नहीं कि बच्चे का ध्यान रखूँ। मैं अपना सारा ध्यान अपने व्यापार पे रखता हूँ। आप अपना ध्यान दुकान पे क्यों रखते हैं? इधर उधर भी देखना चाहिए ना। नहीं, अब आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। आप अपना ध्यान इधर उधर क्यों रखते हो? शारदा, इस फल वाले से बहस करके अपनी गलती को मात्र छुपाया जा सकता है, उसे सुधारा या बुलाया नहीं जा सकता। हमें भास्कर को ढूंढना होगा। काश मैंने ये तरबूज आज खरीदा ही नहीं होता। काश, काश हमने आपकी बारी ले ली होती आज, तो भास्कर हमारे पास ही रहता। काश। पता है शारदा, हम सदैव अपने जीवन में अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने अंदर सुधार करते हैं, किंतु कुछ गलतियां भूल बन जाती हैं और हमें बहुत बड़ा सबक सिखा कर जाती हैं। और इस भूल से मैंने ये सबक सीखा कि अपने बच्चे के प्रति हमारे अंदर बारी नहीं जिम्मेदारी होनी चाहिए। हे माँ, मेरी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमारे दोषों का दर्द हमारे पुत्र को न देना। और जैसे ही हमारा भास्कर हमें मिल जाएगा ना, तो सबसे पहले हम उस योजना पत्र को फाड़ देंगे। हाँ। जिसके कारण बस हम तेरी बारी मेरी बारी करते रह गए। हाँ, इस फल वाले से ये तो पता चला कि भास्कर यही छूटा था, परंतु उसे लेकर कौन गया होगा और ले जाने वाला पता नहीं कैसा व्यक्ति होगा। शारदा, नहीं रामा, हमें बहुत डर लग रहा है। शीघ्र से शीघ्र हमें भास्कर चाहिए। तो उसके लिए हमें भास्कर को ढूंढना होगा, किंतु इस बार हम एक ही दिशा में नहीं जाएंगे। तुम उस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाता हूँ, तभी हम भास्कर को शीघ्र ढूंढ पाएंगे। हाँ जाओ। वरुण माला। स्वामी, 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 चमत्कार हो गया। कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। क्या हो गया? ये हो गया। माँ की कृपा से हम माँ बन गए और आपको अवसर मिल गया स्वामी से हटकर पिता की श्रेणी में खड़े होने का। वरुण माला, ये देखिए हमारी तपस्या का फल। माँ ने आशीर्वाद स्वरूप हमको एक पुत्र दिया है। वरुण माला, देखो देखो, जो तुम कह रही हो वैसा वैसा कुछ क्षण पहले नहीं था, परंतु माँ ने जो अकस्मात ये कर दिया है, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। परंतु आप कर लीजिए। क्या कर ले? विश्वास माता की कृपा पर। आज हम एक सक्षम नारी बन चुके हैं। जैसे आप अपने ब्रह्म शक्ति से अलौकिक कार्य कर लेते, उसी प्रकार हमने भी अपने तप से पुत्र उत्पन्न कर दिया है। प्रिय, प्रिय वरुण माला, ये हमारा बालक नहीं है। नहीं नहीं स्वामी, ये हमारा ही पुत्र है। माँ ने स्वयं हमारी झोली में डाला है। पुत्र धनी मनी। जी गुरु माता। जाओ अपने छोटे भ्राता के लिए दूध लेकर आओ, इसे भूख लगी होगी। लाओ हमें। नहीं लाओ। नहीं स्वामी, नहीं लाओ। नहीं स्वामी। वरुण माला, ये क्या क्या कर दिया? ये क्या किया आपने? जाइए छुड़वाइए। हे भगवान, धनी मनी, ये जो पायल है इसे छुड़वा लेना है। जाओ, तब तक हम इस राह से भटकी हुई वरुण माला को सही राह पर डालते हैं। गुरुजी, वो दे दो। मिल गया, चल। ये गुरु माता तो सच में बहुत भोली है। इस दुनिया में व्यक्ति को भला होना चाहिए, मगर इतना भोला तो कदापि नहीं। और दूसरी तरफ ये बुड्ढा प्रपंचों का सरपंच। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भगवान, आपने वरुण माला को पुत्र का आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा की। अब देखिए भगवान, पुत्र मिलने के बाद ये पत्नी धर्म को भूल गई है। भगवान, भूल गई है। एक अबला पति जो कब से जल के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, उसे जल नहीं पिला रही है। देखिए भगवान, देखिए भगवान। शिव 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 शिव, स्वामी आप माँ से नहीं हमसे बात कीजिए। हमसे त्रुटि हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अभी आपके लिए शीतल जल लेकर आते हैं। लाइए। से जुड़वा लेंगे। हे
प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी। बहुत हल्का हल्का लगता है जब कंधे का बोझ उतर जाता है। बोझ चाहे छोटा ही क्यों ना हो, कई बार तो बोझ अपने ही भूल से उतर जाता है। वैसे तो आप तो जानते ही हैं पंडित रामकृष्ण जी, हमने कभी भी अपने उच्च से ज्ञान की तुच्छ सी प्रशंसा आपके सामने नहीं की, किंतु आज अपने प्रबल उच्च ज्ञान से हम इतना तो बता ही सकते हैं कि आपकी ये विचलित आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। कहीं आप अपने पुत्र को तो नहीं ढूंढ रहे? नहीं, कैसे पता चला कि मैं भास्कर को ढूंढ रहा हूँ? हाँ, वो क्या है कि भास्कर थोड़ा सा खो गया है। तो आप दोनों कितने ज्ञानी हैं? आप दोनों ने ज्ञान की बातें की और मेरी आंखों को पढ़ लिया, और मैं ठहरा निपट बुद्धू। आप दोनों सामने खड़े हैं किंतु मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप दोनों आ रहे हैं या जा रहे हैं। हम तो बच्चे के लिए दूध लेने जा रहे हैं। अच्छा, किस बच्चे के लिए? मूर्ख धनी, हम अपने लिए लेने जा रहे हैं। हम भी तो गुरुजी के बच्चे हैं ना, मोटा बच्चा लंबा बच्चा। और हमें नहीं पता छोटा रामा कहाँ, आप स्वयं ही ढूंढ लो। किंतु मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। हम पूछने तो वाले थे ना, तो इससे पहले कि आप पूछे हमने बता दिया। भास्कर की पायल धनी मनी के पास। हो ना हो, भास्कर इनके या गुरुवर के पास ही है। हाँ बंधु, डूबते को तिनके का सहारा होता है और भटके हुए को सही दिशा का। मैं जो भास्कर को ढूंढने के लिए तब से भटक रहा हूँ, इन दोनों ने सही दिशा दिखला दी। सही कहा, क्या है कि दिन भर भास्कर का ध्यान रखकर और अब उसे ढूंढ ढूंढ कर मैं बहुत थक सा गया हूँ। अब तो ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी चमत्कारी चमत्कारी हैं, चमत्कारी है वाले गुरुजी, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है पंडित रामकृष्ण जी। सत्य वचन सत्य वचन। किंतु जरा सोचिए, यदि भास्कर गुरुवर को ही मिला तो? फिर तो कुछ सोचिए ही मत, क्योंकि हमारे गुरुजी आपके पुत्र को भूले दरबार में महाराज के सामने प्रस्तुत करेंगे। और फिर गुरुजी अपनी विशैली वाणी से पूरे दरबार में ये सिद्ध करेंगे कि आप गैर जिम्मेदार पिता हैं, और आपकी बुराइयों का विशाल पहाड़ खड़ा कर देंगे। उसके पीछे ना आप दिखाई देंगे ना आपकी प्यारी सी आवाज सुनाई देगी। रामा, तो गुरुवर का तेरे विरुद्ध ये प्रपंच है? हाँ, किंतु एक संतुष्टि है कि भास्कर सुरक्षित है। नहीं बंधु, अधिक समय तक नहीं, मुझे गुरुवर को किसी भी तरह रोकना होगा। परंतु कैसे? किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि शत्रु को सरलता से हराना है तो अपनी शक्ति को नहीं अपितु शत्रु की कमजोरी को ही शस्त्र बनाओ। का पता चला? हाँ, भास्कर गुरुवर के पास है। परंतु आपको कैसे पता चला कि? शारदा, रुको 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 रुको। क्या रुको रुको? तुमने भास्कर को वहाँ क्यों छोड़ा? तुम्हें पता है ना, वो राजगुरु नहीं पाखंड गुरु है। जानता हूँ, वो भास्कर को दरबार ले जाकर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं एक गैर जिम्मेदार पिता हूँ, पर महाराज तो मुझे लापरवाही के लिए पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। जी, गुरुवर को वहाँ जाने से रोकना होगा। पंडित रामा, यदि आप सत्य कह रहे हैं तो मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? सुधामिनी देवी, आप तो स्वयं इतनी बुद्धिमान हैं, आपको तो पता ही है कि एकदम से विश्वास केवल झूठ पर होता है, सत्य को तो धीरे धीरे हजम करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, सही कहा आपने। है ना, जब मुझे पता चला तो मैं भी देखकर चौंक गया कि गुरुवर किसी और का बच्चा लिए क्यों फिर रहे हैं। और बताओ, सबको अलग अलग कहते हैं, कहते मेरा नहीं किसी और का बच्चा है। हाँ? हो सकता है आप उनसे पूछे तो आपसे भी ये कह दें कि नाना मेरा बच्चा नहीं, ये तो पंडित रामकृष्ण का बच्चा है। अरे आप ही बताइए, यदि किसी और का बच्चा है तो अपने हृदय से लगाकर क्यों घूम रहे हैं? सही कहा। और अभी तक तो छुपा कर रखा था, आज सरेआम दरबार लेकर जाने वाले हैं। हाँ? अभी यहीं से गुजरेंगे तो मुझे लगा कि मैं आपको सब बता ही दूं। हाँ पंडित रामा, ये तो सही किया आपने,
कि समय रहते रहते मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ। आज तो मैं तथु से पूछ कर ही रहूंगी। किससे? गुरुवर से, गुरुवर से पूछ कर ही रहेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। पूछे पूछे। हाँ। वो आए आए। हाँ। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। शारदा देवी ने बहुत मारा। सहनीय पीड़ा हो रही है। चलो। शारदामिनी। हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर नहीं, भ्रमित लग रही है। धनमणि, तुम दोनों दरबार जाओ। गुरुजी, हमें भी मिलने दीजिए ना। और स्वयं को हमारे क्रोध से बचाओ। सौदामिनी, तुम यहाँ? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तो हम देख रहे हैं कि तुम हो, परंतु तुम यहाँ कैसे, क्यों, किस लिए? पहले आप हमें ये बताइए, ये जो आपके हाथों में है ये क्या है? ये तो वो नन्ना सा प्यारा सा बालक है। तो ये है वो राज नर्तकी जिसके नृत्य की कथा बापू ने सुनाई थी। ये तो परी है। तो फिर क्यों ये इस बुड्ढे पर मरी है? हे भगवान, ये लंगूर के हाथ में अंगूर क्यों फंसा दिया? कहाँ से पाया ये और कैसे पाया? प्रेम हमारे साथ और बच्चा किसी और के साथ? नहीं नहीं नहीं, सौदामिनी, देखो देखो देखो, ये बच्चा अवश्य हमारे हाथों में है, परंतु हमारा नहीं है। आप तो कहते थे कि अच्छे व्यक्ति के हाथों में केवल एक ही वस्तु अच्छी लगती है, वो है उसके कर्मों का फल। इधर इधर इधर। एक वस्तु और है जो जो अच्छी लगती है। वो क्या, बताइए। वो भगवान का प्रसाद जो जो हाथों में मिलता है। वैसे ही बाजार में ये बालक रूपी प्रसाद किसी ने हमारे हाथों में समा दिया। परंतु आपने हमें पहले इसके विषय में कुछ नहीं बताया। धोखा दिया है हमें, झूठ बोला है हमसे। हाँ, वाह बापू, मजा आ गया। सच कहूँ, एक पिता की गोद के सहाय के जैसा दुनिया का कोई बिस्तर नहीं हो सकता। आज मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, परंतु आपको अवश्य समझ गई हूँ। धोखेबाज, झूठे। अब आप कहेंगे कि ये पंडित रामा का पुत्र है। तुम्हें कैसे पता? ये धूर्त पंडित का ही पुत्र है छोटा रामा। अच्छा। हाँ। उन्होंने सही कहा था, धोखेबाज है आप, धोखा दिया है मुझे। झूठे, बात मत करना मुझसे। और कभी मिलने मत आना हमसे। सौदामिनी चली गई। जाने दो, इसे तुम बाद में मना लेंगे, पहले दरबार चलते हैं, कहीं महाराज उठकर कहीं और ना निकल जाए। हमारे गुरु जी ने इस पालने में छोटे से पंडित रामा की जगह ये बड़ा से तरबूज क्यों रख दिया है? गुरुराज रात दरबार में तरबूज लेकर क्यों आए हैं महामंत्री जी? हमें ज्ञात नहीं है महाराज, परंतु हमें ऐसा लग रहा है कि आज गुरुवर का जन्मदिन है और शायद सभी का मुंह तरबूज के साथ मीठा कराना चाहते हैं। हो सकता है। प्रणाम गुरु। बस महामंत्री जी, आज हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। महाराज, आज जो शब्द हम बोलेंगे वो शब्द अनोखा, अनदेखा सत्य दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कैसे किया जा सकता है जो व्यक्ति स्वयं गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को राज्य का पद कैसे दिया जा सकता है जो व्यक्ति अपने बच्चे को भी संभालने के योग्य ना। महाराज, आज हम ऐसे ही व्यक्ति की असलियत, उसकी काम चोरी, उसकी कमजोरी और उसकी गैर जिम्मेदारी की हर हद से पर्दाफाश करेंगे। शांत गुरुवर, शांत। आप इतने आवेश में किसके विषय में बात कर रहे हैं? महाराज, उसके विषय में जिसे ऐसे स्थान पर बिठा दिया गया है जिसके योग्य वो है नहीं, और उसकी अयोग्यता का जीता जागता। जी महाराज, जीता जागता सबूत हमारे हाथों में है। भाई, सबूत या तरबूज?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.